पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, आप सभी जो हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो DIY है वो है ये बुद्धा वॉल आर्ट, जिसको मैंने एक लीफ की शेप में बनाया है। बुद्धा जो होते हैं वो शांति का प्रतीक माने जाते हैं और घर में काफी लोग इसको पसंद करते हैं। आपने घरों में जनरली बुद्धा पेंटिंग्स देखी होंगी, बुद्धा प्लांटर्स देखे होंगे, पर मैं ये कुछ एक अलग ही आर्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो है वॉल पुट्टी मैंने यूज किया है और कार्डबोर्ड हमने यूज किया है, और सिर्फ मैंने इसके लिए दो एक्रेलिक कलर्स यूज किए हैं, एक ब्राउन और एक गोल्ड। तो चलिए हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड से लीफ की शेप को कट करेंगे, जो कि मैंने पहले से कट किया हुआ है। अब हम वॉल पुट्टी का डो बनाएंगे। थोड़ा सा वॉल पुट्टी लें, इसमें थोड़ा पानी ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। अब हम कार्डबोर्ड के ऊपर इस वॉल पुट्टी की लेयर लगाएंगे। वॉल पुट्टी से पतली पतली लेयर बनाएंगे और पानी की मदद से उसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर उसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, पूरा कार्डबोर्ड वॉल पुट्टी से कवर हो गया है। इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं एक नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। अब हम लीफ के किनारों पर थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगाएंगे और लीफ के किनारों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा देंगे। लीफ पैटर्न बनाने के लिए मैंने एक कंपास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद लीफ के ऊपर हम बुद्धा का फेस ड्रॉ कर देंगे। फेस ड्रॉ करने के लिए मैं एक पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब वॉल पुट्टी की मदद से हम बुद्धा का फेस बनाएंगे। बुद्धा की बॉडी को भी वॉल पुट्टी से बनाएंगे। बुद्धा के बाल भी हम वॉल पुट्टी से बनाएंगे। बुद्धा का मुकुट भी बना लेंगे। वॉल पुट्टी से मैं जब भी कोई आर्ट करती हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वॉल पुट्टी को आप आसानी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको ब्लेंड करना भी आसान रहता है।
अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये ड्राई हो चुका है और पेंसिल की मदद से हम बुद्धा के फीचर्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम वॉल पुट्टी की मदद से बुद्धा के फीचर्स बनाएंगे। बुद्धा के मुकुट को भी वॉल पुट्टी से बना लेंगे। बुद्धा के मुकुट में डिजाइन बनाने के लिए मैं एक टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। वॉल पुट्टी के ड्राई होने से पहले ही हम डिजाइन बना लेंगे। बुद्धा के कान बनाने के लिए थोड़ी सी वॉल पुट्टी और लगाएंगे। एक टूथपिक की मदद से हम बुद्धा के कान ड्रॉ कर लेंगे। ब्रश में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम और फिनिशिंग देंगे।
अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ड्राई होने के बाद हमारे बुद्धा कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं और ये कलर करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। तो चलिए अब कलर करना स्टार्ट करते हैं। बुद्धा को कलर करने के लिए मैंने सिर्फ दो ही कलर इस्तेमाल किए हैं, एक ब्राउन और एक गोल्डन। आप चाहे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है, पर मैंने इसको एक एंटीक लुक देने के लिए सिर्फ दो ही कलर लिए हैं, ब्राउन और गोल्डन। तो अभी हम इसको पूरा ब्राउन कलर करेंगे। ये देखिए, पूरा ब्राउन कलर हो गया है। अब जो इनका मुकुट है उसको हम गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। तो ये हमारा बुद्धा वॉल आर्ट एकदम रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। धन्यवाद।